सलमान खान बन गए हैं डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अपनी किस फिल्म के लिए सलमान खान इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये फिल्म सलमान खान स्टारर कोई फिल्म नहीं, बल्कि ये फिल्म है सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी स्टारर हीरो बनते। जी हाँ, सलमान खान अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, सुनिए खुद इस फिल्म के को प्रोड्यूसर सुभाष घाई से। सलमान वांट्स टू मेक हीरो, द वे ही लुक्स एट हीरो एंड ही इज एक्साइटेड अबाउट इट, तो लेट हिम मेक, देयर इज अ चाइल्ड इन हिम, उनमें जब तक अपने बच्चा नहीं है तो फिल्म कैसे बनाएंगे। तो सलमान ने भी एक बच्चा है जो कि अपने तरीके से सोचना चाहता है कि फिल्म ऐसी होनी चाहिए, और मैं जब वो मुझे सुनाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि वो एक बिल्कुल नया नया राइटर, यंग राइटर, एक बच्चा राइटर जो सुना रहा है, मैं ऐसे करूँगा। और सलमान में है वो बात, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी फिल्म बनाएगा। सुना आपने, सुभाष घई का कहना है कि फिल्म हीरो पंक्ति को लेकर सलमान खान इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि वो सुभाष घई की फिल्म की एक एक बारीक डिटेल्स खुद ही बता रहे हैं। ऐसे में सलमान खान के फैंस जो कि उन्हें कैमरा के पीछे भी देखना चाहते हैं, उनकी ये मुराद पूरी हो सकती है। सलमान खान पहले ही साफ कर चुके हैं कि सूरज पंचोली और अतिया को वो एक ग्रैंड तरह से बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसे में अब जबकि सुभाष घई ने साफ कर दिया है कि सलमान खान इस फिल्म में इतनी मेहनत से लगे हुए हैं, तो ये कहना गलत ना होगा कि हीरोपंती पहली कंप्लीट सलमान खान की फिल्म होगी। सलमान वांट्स टू मेक हीरो, द वे ही लुक्स एट हीरो एंड ही इज एक्साइटेड अबाउट इट, तो लेट हिम मेक, देयर इज अ चाइल्ड इन हिम, उनमें जब तक अपने बच्चा नहीं है तो फिल्म कैसे बनाएंगे। तो सलमान ने भी एक बच्चा है जो कि अपने तरीके से सोचना चाहता है कि फिल्म ऐसी होनी चाहिए, और मैं जब वो मुझे सुनाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो एक बिल्कुल नया नया राइटर, यंग राइटर, एक बच्चा राइटर जो सुना रहा है, मैं ऐसे करूँगा। और सलमान में है वो बात, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी फिल्म बनाएगा। फॉर सलमान खान, जूम, मुंबई।